Launching an all-out political battle against BJP, Congress President Sonia Gandhi on Friday alleged that the Saffron Party is spreading rumors against Congress to achieve position at the center. Sonia Gandhi was addressing an election rally at Neemuch in Madhya Pradesh. She also accused BJP PM candidate Narendra Modi of false propaganda about Gujarat model while not revealing the true story behind it. BJP kursi hasil karne ke liye har tarah ki afwah phaila rahi hai, jhooth bol rahi hai, logo ko gumrah karne ke sare hatkande apna rahi hai. Kuch log गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन उस गुजरात मॉडल की बात आपको शायद नहीं बता रहे हैं। She also claimed that the fund and other non-monetary resources given to Madhya Pradesh was unparalleled to what was done during BJP-led NDA regime. Sonia also made it clear that her party does not believe in discrimination. मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं लागू करने और हर नागरिक की जिंदगी में उत्थान लाने के लिए तरक्की लाने के लिए हमारी यूपीए सरकार ने जितना सहयोग दिया जितनी धनराशि यहाँ की सरकार को दी उतनी इन्हें एनडीए शासन में भी कभी नहीं मिली तभी ये हम पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ने विकास के मामले में कभी किसी से भेदभाव नहीं किया हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं जो ये लोग करते हैं The UPA chairperson accused the BJP of changing names of schemes given by the Congress-led center. केंद्र सरकार जिन योजनाओं के लिए पैसा देती है ये उसका नाम बदल कर अपनी योजना का प्रचार करते हैं ये योजना अपनाते हैं जिनके लिए पैसा यूपीए सरकार ने भेजा ये वही लोग करते हैं जिनकी सोच गलत होती है जिनकी नीयत गलत होती है मैं कहती हूं अगर इन्हें इसी तरह के कामों में खुशी होती है तो जरूर करें लेकिन उसका लाभ आप लोगों तक एक एक नागरिक तक को कम से कम पहुंचाए जो कि नहीं हो रहा She also took a dig at BJP Prime Ministerial candidate Narendra Modi and alleged that over 27,000 jobs for Dalits have been lying vacant in his own state Gujarat. हजार से भी अधिक दलितों और आदिवासियों के खाली पदों पर उन्हें नौकरी नहीं दी गई 600 पंचायतों में दलितों को आरक्षण नहीं दिया गया और 5 साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है गरीबों और किसानों की जमीनें छीनकर कौड़ियों के दाम पूंजीपतियों को दी जा रही है जो सिर्फ कुछ मिसालें हैं दिस रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय NIS